नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं हम MP ADPO की तैयारी के क्रम में अगले विषय। अगला विषय हम लेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। इसमें शॉर्ट में देख ले, कुल धाराएं इसमें 16 हैं, काफ़ी कम हैं, लेकिन इसमें सब सेक्शन अर्थात उपधारा और इसके खंड काफ़ी हैं, इसलिए छोटा एक्ट दिखने के बावजूद ही काफ़ी बड़ा लेंदी हो जाता है। पर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इम्पॉर्टेंट कुछ ही क्वेश्चन रहते हैं। सिर्फ इसमें जो अपराध उनका जो दंड है उस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, जो हम क्लियर कर लेंगे। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, जैसा कि मैंने लिस्ट आपको एक बताई थी, वो आप फिर से पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। इसके लागू दिनांक ये भी हमने देखी थी पिछली एक लिस्ट में, जो MP ADPO की तैयारी के नाम से जो पहला वीडियो बना था उसमें देखा था 1 अप्रैल 1955, अर्थात ये एक्ट भी 1 तारीख को लागू होने वाले एक्ट में से एक है। अब बात करते हैं एक्ट पर। सबसे पहले धारा 2 जो कि परिभाषा खंड है, इसमें सबसे पहले ए नंबर पर है परिभाषा कलेक्टर की। तो देखिए, परिभाषा का ए और बी ये तो आसानी से याद हो जाएंगे। आप कभी भी देखना इस एक्ट में, हमारे हर एक्ट दोनों भाषाओं में होते हैं, डिग्लॉट होते हैं, तो एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश। तो हिंदी में जब का दिया होता है तब आप देखना इंग्लिश में उस खंड को ए दिया होता है, और हिंदी में जब खा दिया होता है तब उस खंड को इंग्लिश में बी दिया होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि परिभाषा में धारा 2 की परिभाषा ए यानी 2A, तो ए में है का, ए को का कह सकते हैं, तो ए में का, का से है कलेक्टर, और बी में खा, खा से है खाद्य फसलें। तो ए का कलेक्टर और बी में खाद्य फसलें, ये 2 हम आराम से याद कर सकते हैं, और ये पूछी भी जाती हैं। कलेक्टर में कौन कौन आएगा? तो कलेक्टर में स्वयं कलेक्टर आएगा, इसके अलावा अपर कलेक्टर आएंगे, या फिर कोई अन्य अधिकारी भी आ सकता है, लेकिन जो अन्य अधिकारी होगा उसकी रैंक कम से कम उपखंड अधिकारी तो होनी चाहिए। उपखंड अधिकारी बोलते हैं सब डिविजनल ऑफिसर को, जैसे कि SDO या SDOP या SDM जो होते हैं, ये सभी उपखंड अधिकारी होते हैं। तो इसमें जो SDO होगा कम से कम उतनी रैंक का तो या उससे ऊपर की रैंक का अधिकारी होना चाहिए, उसे कलेक्टर समझा जाएगा इस एक्ट के लिए। लेकिन वह कब समझा जाएगा कलेक्टर? जब कलेक्टर ने उसको ऑथराइज्ड किया है यानी प्राधिकृत किया है इस एक्ट के अधीन काम करने के लिए उस SDO को, तब उसे कलेक्टर ही समझा जाएगा। इसके अलावा बी में आ जाते हैं तो खाद्य फसलें, इन खाद्य फसलों में अन्य खाद्य फसलों के साथ साथ गन्ने की फसल को भी इसमें ही माना जाएगा इस एक्ट के प्रावधान के लिए। अब आ जाते हैं सी। तो देखिए, जैसे ए और बी हमने याद कर लिया, ए का का, का से कलेक्टर, और बी का खा, खा से खाद्य फसल है। इसी तरह अब सी का याद कर सकते हैं कि सी और CC दोनों एक जैसे हैं, एक में सी है एक में डबल सी है। तो सी और CC जो है दोनों में परिभाषा आदेश की दी हुई है, एक में है अधिसूचित आदेश, सी में दिया हुआ है नोटिफाइड ऑर्डर, और दूसरे में है आदेश अर्थात ऑर्डर। तो सी और CC दोनों आदेश के बारे में बात करती हैं। डी जो है वह राज्य सरकार के बारे में बात करती है, और ई जो है वह चीनी के बारे में बात करती है। ये आसान है, 5 परिभाषाएँ आसानी से याद हो सकती है, 5-6 परिभाषाएँ। तो चीनी अर्थात जिसको हम शक्कर बोलते हैं या शुगर, वह भी कई प्रकार की होती है। तो इसमें इन्होंने बोला इस एक्ट के लिए चीनी को 90% से ज़्यादा सुक्रोज वाली चीनी भी इस चीनी में शामिल होगी। खांड सारी चीनी, खांड सारी दरअसल आपने कभी यदि देखा हो गाँव में या बचपन के टाइम पर, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उस समय चीनी यूज़ करते थे, वो बड़े से टुकड़े हुआ करते थे, इस प्रकार की छोटी टुकड़ों वाली नहीं, बड़े टुकड़ों वाली होती थी। आजकल भी कई जगह जैसे चीनी के क्यूब्स जो चलते हैं छोटे छोटे, तो आजकल जो क्यूब हैं उनको तो शार्प कर दिया जाता है, घिसाई कर दी जाती है। खांड सारी दरअसल किसी भी शेप की होती थी, ठीक है, एक टुकड़े के रूप में होती, जैसे नमक के टुकड़े होते थे इसी प्रकार चीनी के टुकड़े होते, इसको खांड सारी चीनी। बूरा चीनी, जैसे नारियल का बूरा होता है इसी प्रकार से चीनी का भी बूरा होता है, ठीक, पिसा हुआ, तो इसी बूरा या पिसी चीनी या चूर्ण चीनी, ठीक है, पाउडर रूप में है पिसी हुई, इन सभी चीनी को भी इस एक्ट में चीनी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अलावा वैक्यूम पैन कारखाने वाली चीनी, अब जो कारखाना जिसमें चीनी बनाई जाती है उसकी चीनी, अब कौन सी चीनी होती है उसमें? उसमें होती है प्रक्रिया के अधीन चीनी, अर्थात जिसमें चीनी बन रही हो, अंडर प्रोडक्शन हो।
तो अंडर प्रोडक्शन जो चीनी होगी वो कौन सी होगी, वो होगी कच्ची चीनी। इसलिए इस एक्ट में आप देखना, एक्ट खोलकर, उसमें इसमें प्रक्रिया अधीन चीनी या कच्ची चीनी भी बोला गया है, तो ये भी इसमें चीनी समझी जाएगी, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा चीनी का। अब आते हैं धारा 2A, ये इम्पोर्टेंट है। धारा 2A किस बारे में बात करती है, तो धारा 2A बात करती है आवश्यक वस्तुओं की घोषणा के बारे में बात करती है, ठीक। अर्थात कोई केंद्र सरकार इस एक्ट के लिए, इस एक्ट का उद्देश्य ही यही है कि कोई ऐसी वस्तु जो आवश्यक वस्तु है उसे आवश्यक वस्तु घोषित करना है। आवश्यक का अर्थ है रोज़मर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में हमें उपयोग में आती हो, हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो, जैसे नमक है, शक्कर है, तेल है, कोई खाद्य पदार्थ है, आटा वगैरह है, दालें हैं, दालों को दलहन या तेल है तो तिलहन, ये सभी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित खाद्य पदार्थ है। यदि मान लीजिए जैसे पहले के टाइम में होता था, आज़ादी के तुरंत बाद काफ़ी ये समस्या देखी गई कि लोगों ने, जैसे ही अंग्रेजी शासन ब्रिटिश सरकार गई तो लोगों को लगा व्यापारियों के कि हमारे सर पर अब किसी प्रकार का शासन नहीं है, कोई जिम्मेदारी या कोई डर नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ समय ऐसा माहौल बनाया कि सभी व्यापारियों ने एक होकर अलग अलग प्रकार की खाद्य वस्तुओं को अपने यहाँ इकट्ठा करना शुरू कर दिया और मार्केट में उसकी कमी ला दी, मार्केट में उसकी अनुपलब्धता हो गई, उपलब्धता खत्म कर दी, कम कर दी। कम करने से डिमांड बढ़ी, सप्लाई उन्होंने बिल्कुल रोक दी, उससे डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से उसके दाम बढ़े और फिर उसका फ़ायदा लेकर ऊंचे दामों पर उन्होंने धीमे धीमे उन वस्तुओं को अपने गोदाम में से निकाला। और आप देख रहे हैं 1947 की आज़ादी के बाद ये एक्ट बनाया 1955 में, तो लगभग उसी दौरान की बात है। तो सरकार ने ये देखा कि इस प्रकार से ये कालाबाजारी और मुनाफाखोरी हो रही है। कालाबाजारी का अर्थ है कि कोई भी वस्तु जिसकी डिमांड है उसको काले बाजार में, काले बाजार का मतलब है डायरेक्टली विद लाइसेंस ना बेच करके इनडायरेक्टली दो नंबर में बेचना, उसको कहते हैं काला बाजार। और मुनाफाखोरी का अर्थ है कि किसी वस्तु को अपने पास छुपा लेना तब तक के लिए जब तक उसकी डिमांड इतनी ना बढ़ जाए कि मुनाफा हमारा कई गुना हो जाए, और जब कई गुना मुनाफा होने की स्थिति में कीमत पहुँच जाए तब उस वस्तु को धीमे धीमे मार्केट में निकालना। जैसे अभी बीच में आपने देखा होगा प्याज वगैरह की कीमतें बढ़ गई, वो इन्हीं वजहों से बढ़ दिए। कई बार तो फसल कम होती है और उसके साथ व्यापारी भी उन वस्तुओं को अपने पास गोदाम में दबा कर बैठ जाते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति होती है तो केंद्र सरकार क्या करेगी, इस एक्ट की इसी धारा 2A के द्वारा एम्पावर्ड होकर इससे अपनी शक्ति ग्रहण करके घोषणा करेगी कि निम्न वस्तुओं को आवश्यक वस्तु समझा जाएगा और उन वस्तुओं को अनुसूची में, इसी एक्ट में पीछे अनुसूची यानी शेड्यूल दिया हुआ है उसमें उन वस्तुओं को का नाम उल्लेखित कर दिया जाएगा, उसमें प्रविष्टि डाल दी जाएगी कि भाई इन इन वस्तुओं को हम आवश्यक वस्तु समझेंगे, यानी इन वस्तुओं के बारे में आपको उत्पादन करना, प्रोडक्शन या बेचना है तो उन कीमतों पर या उतनी मात्रा में करना जितना हम आपको बताएंगे, आप इन वस्तुओं को दबाकर नहीं बैठ सकते। इसी 2A में बात करें, पहला तो हो गया घोषणा करना, दूसरा इसी की उपधारा है अनुसूची में संशोधन। कि मान लीजिए कि अभी तक लग रहा है कि शक्कर और तेल है, इनकी आवश्यकता है, इसी बीच में मान लीजिए कि प्याज, अभी तक प्याज की ऐसी कमी नहीं थी लेकिन समय ऐसा आया, ऐसा सीजन आया जिसमें प्याज की कमी होने लगी और व्यापारियों ने धीमे धीमे उस प्याज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देखिए किसी चीज़ को गोदाम में इकट्ठा करना गलत चीज़ नहीं है, वो अपराध नहीं है, हर व्यक्ति गोदाम में इकट्ठा करता है, कोई भी वस्तु आती है, फसल आती है, हर व्यक्ति अपने पास इकट्ठा करता है। लेकिन जब डिमांड अधिक हो, मार्केट में वस्तु कम हो, उसकी कीमत बढ़ाने के उद्देश्य से अपने पास किसी सामान को दबा के रखना, ये अपराध में आ जाएगा, ठीक। बाकी स्टोरेज तो सभी करते हैं, तो इसमें इन्होंने बोला कि यदि स्टोरेज उसी समय, मान लीजिए कि शक्कर है वह तो चल ही रही थी आवश्यक वस्तु में, इसके अलावा उसी समय प्याज की कमी हो गई, तो इस कंडीशन में केंद्र सरकार उस अनुसूची में जिसमें सिर्फ शक्कर का नाम लेकर रखा है उसमें इसी धारा 2A की उपधारा 2 के द्वारा शक्ति ग्रहण करके उस अनुसूची में संशोधन करेगी, संशोधन करके चीनी के साथ साथ प्याज का नाम भी लिख देगी कि भाई अगले 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए हम प्याज को भी पूरे देश में आवश्यक वस्तु या एसेंशियल कमोडिटी समझी जाए, ठीक। अर्थात इसको भी स्टोरेज करना, इकट्ठा अपने पास दबा के रखना, गोदामों में रखना, ये भी अपराध समझा जाए। तो ये पावर किसको है, केंद्र सरकार। अब उपधारा 3 की बात करें,
तो उपधारा तीन में वही जो मैंने अभी बताया आपको कि अनुसूची में संशोधन करके नई वस्तु डालना, घटाना या बढ़ाना, कम भी कर सकती हैं किन्हीं वस्तुओं की। मान लीजिए अभी बीच में दाल की कमी हो गई थी तो उसको अनुसूची में नाम डाल दिया गया था उसका, लेकिन आज दाल सर्वसुलभ है, यानी अब उसका वह इमरजेंसी पीरियड निकल चुका है, तो उसका नाम आवश्यक वस्तु की लिस्ट में से हटा दिया गया है। अब वो कॉमन है, अब कोई उसको स्टोर करे आराम से बेचे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितने टाइम के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो ये दिया है उपधारा तीन में कि किन्हीं वस्तुओं को 6 माह तक के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, 6 माह तक के लिए केंद्र सरकार उसे आवश्यक वस्तु घोषित कर सकता है और इस बाबत वह अधिसूचना जारी करेगा, अर्थात नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके अलावा 6 माह तो है मिनिमम है, अब 6 माह की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, तो उसके लिए तर्क होगा जनहित में, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए उस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। अगला इसी में है उपधारा 4 कि कौन सी वस्तुओं पर केंद्र सरकार इस शक्ति का प्रयोग करेगी, किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की लिस्ट में डाल के उसकी कीमत नियंत्रण के प्रयोग कर सकती है। तो उसके बारे में, जैसे आप जानते हैं कोई भी भारत में कोई भी एक्ट यदि बनाना है तो संविधान में उसका उल्लेख हो, संविधान के अंतर्गत ही बनाया जा सकता है, संविधान में ऑलरेडी उसमें उल्लेख होगा। यदि उल्लेख या प्रावधान नहीं है तो संशोधन करके उसमें उल्लेख पहले संविधान में किया जाता है, देन उसके अधीन एक एक्ट बनाया जाता है। तो ऐसा ही इसमें आवश्यक वस्तु का एक्ट बनाया गया है, इसमें जो वस्तुएं डाली गई हैं जिस पर शक्ति प्रयोग केंद्र सरकार करेगी वह कौन सी वस्तुएं हैं जिनका प्रावधान दिया है संविधान में। 7वीं जो अनुसूची है, 7वीं वही अनुसूची जिसमें राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची का उल्लेख किया गया, तो उस 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 3, ठीक है, तो 7वीं अनुसूची जो है उसकी हो जाएगी अपनी, उसकी कौन सी होगी, 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 3। तो सूची नंबर 3 कौन सी है, तो राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, यानी कॉन्करेंट लिस्ट जिसको कहते हैं। सूची नंबर 3 यानी संवर्ती सूची, उसकी एंट्री नंबर 33। तो 33वें नंबर पे जो लिखी हुई है उसके अधीन, यानी 33वें नंबर पे क्या लिखा है, उसमें खाद्य फसलें जैसे जूट, कपास वगैरह भी, खाद्य फसलें, तिलहन, इन सभी से संबंधित जो उद्योग है उन उद्योगों पर नियंत्रण संघ यानी केंद्र सरकार अपने स्वयं के हाथों में ले लेगी यदि वह देखती है कि इस पर नियंत्रण जो है वह चला गया है, अराजकता की स्थिति आ रही है या कोई फैक्ट्री बर्बाद होने की स्थिति में आ सकती है और इससे एक बहुत बड़ा व्यापक जनहानि हो सकती है या लोगों को खाद्य फसलों के कमी का नुकसान देखना पड़ सकता है आने वाले समय में, तो उसका नियंत्रण, रेगुलेशन और कंट्रोल केंद्र सरकार अपने हाथ में ले लेगी। इस बात के पावर और उन वस्तुओं पर, जिन वस्तुओं के उद्योग पर वो कंट्रोल कर सकती है, उन वस्तुओं पर नियम बनाने की शक्ति संसद को दी है, कानून बनाने की शक्ति संसद को दी है संविधान ने, तो जिन वस्तुओं के लिए पावर दी है संसद को उन वस्तुओं के संबंध में केंद्र सरकार इस धारा 2A के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसे अनुसूची में डाल करके उसे आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे पूरा एक्ट आसान हो जाएगा आपके लिए। अब बात करते हैं धारा 3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने जिसमें ब्लैक कलर के ब्लॉक लगा रखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। धारा 3 मुख्य है, इस एक्ट की जान है। ये कहती है आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति यानी प्रोडक्शन, सप्लाई, प्रदाय और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, इन पर नियंत्रण कौन कर सकता है, तो केंद्र सरकार कर सकती है और आदेश द्वारा कर लेगी। कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी और एक आदेश निकालेगी अधिसूचना द्वारा। और अब क्यों कर सकती है ऐसा, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्शन है या कोई वस्तु है, फसल है या उत्पादित कोई वस्तु है, उसका उत्पादन जैसा चल रहा है आगे भविष्य में लग सकता है कि शायद इसमें कमी आ सकती है, तो जिस लेवल पर चल रहा है उसी लेवल पर उसका प्रोडक्शन बना रहे इसके लिए केंद्र सरकार अपने हाथ में ले सकती है, या आगे चल के उसकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ सकती है ऐसा लग रहा है तो उसका प्रोडक्शन को अपने हाथ में ले सकती है ताकि उसका प्रोडक्शन आगे समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सके, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करवाने के लिए, या उसकी कीमत को नियंत्रण में रखने के लिए, जैसे बीच में दाल 160 रुपये किलो हो गई थी अब उसको कंट्रोल करना है, 60 रुपये 100 रुपये किलो तक लाना है, तो उसके लिए केंद्र सरकार उसे अपने नियंत्रण में इस प्रकार के उद्योगों को लेगी जहाँ पर कि ये दालों से संबंधित काम होता है, प्रोडक्शन होता है या उसका फर्निशिंग होता है, इस प्रकार के सारे उद्योगों को अपने हाथ में ले लेगी उतने समय के लिए। या मान लीजिए भारत की सुरक्षा से संबंधित कोई बात है, सैनिक क्रियाएं हैं,
जैसे युद्ध वगैरह छिड़ गया तो उस समय पर सारे रसद सामग्री सैनिकों को भेजनी पड़ेगी। उस समय इस प्रकार से संबंधित जितने भी उद्योग हैं उनको केंद्र सरकार अपने हाथ में लेके उन फसलों को, उन उत्पादन को सैनिकों को फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ सैनिकों को भेजेगी, देन उसके बाद आम नागरिकों के लिए सुलभ कराएगी, और साथ में विनियमन के लिए और प्रतिषेध के लिए। ठीक, तो विनियमन और प्रतिषेध यानी रेगुलेशन करना। अब रेगुलेशन कैसे होता है? रेगुलेशन होता है लाइसेंस और परमिट जारी करने के बाद। जैसे आपने देखा कि पहले के टाइम में, आज भी होता है, कंट्रोल की दुकान से शक्कर पहले बिकती थी, उसके लिए परमिट जारी होता था, लाइसेंस मिलता था, तो शक्कर के लिए कैरोसिन तेल जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं उसके लिए भी होता था। ठीक है, आजकल एक नया आपको उदाहरण बता दूँ कि जब से ये अपराध में बढ़ोतरी हुई है लड़कियों पर तेजाब वगैरह फेंकने की, तब से केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन ला के तेजाब को आवश्यक वस्तु में डाल दिया है, प्रतिषेध वस्तुओं में डाल दिया है। ठीक, कि आप तेजाब को बिना अपनी आईडी दिखाए, बिना किसी उपयोगी अपना उपयोग दिखाए हुए और बिना आईडी के आपको कोई भी दुकानदार तेजाब नहीं बेचेगा, आप नहीं खरीद सकते ऐसे। ठीक, तो ये प्रतिषेध के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये काम भी केंद्र सरकार कर सकती है और वह करती है। इसके अंतर्गत वह क्या करेगी, ज़मीन पर उगाने वाली जो फसलें हैं उसमें नोटिफिकेशन डाल सकती है। ठीक है, उसमें कमी करना, उसको बढ़ाना या बनाए रखना या नई फसलें उगाना, उसके लिए फसलें कंट्रोल में कर सकती है, ज़मीन भी अपने नियंत्रण में ले सकती है। कीमत नियंत्रण के लिए वह गोदामों को, स्टोरेज जो क्षेत्र हैं उनके गोदाम, बड़े बड़े जो हॉल हैं उनको अपने कब्जे में ले सकती है। खपत को कंट्रोल में करने के लिए लाइसेंस और परमिट जारी कर सकती है। ठीक, बेचने पर रोक लगा सकती है, या किसी चीज़ के बेचने पर रोक लगी हुई है उस पर प्रतिषेध कर सकती है, अर्थात कि उस रोक को खोल सकती है, ओपन कर सकती है, उसको हटा सकती है। ठीक, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण तेजाब वाला है। ठीक, अब इनके लिए क्या हो सकता है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि धारा दो की उप, इसकी धारा तीन की उपधारा दो का खंड चार यानी एफ, इसमें है कि सरकार बाध्य कर सकती है उन कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कि गोदाम का जो ऑनर है वह गोदाम की चीज़ों को सरकार को बेच दे एक नियंत्रित कीमत के अधीन, इसके लिए वह बाध्य कर सकती है। ठीक, ये है इम्पोर्टेंट दो चा में, ये आप लिख लें, मैंने इसमें बताया नहीं है, दो एफ में। इसके अलावा दो एच और दो आई, ये भी इम्पोर्टेंट है जो आगे आएंगे इसमें, इसलिए मैंने डबल रिपीट ना हो इसलिए नहीं लिखा यहाँ पर। तो दो एच और दो आई, एच में बताई गई है कि जो व्यक्ति इस प्रकार के उद्योग कर रहे हैं उनको आवश्यक वस्तु घोषित होने पर उन वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित आंकड़े वह तैयार करके रखें, और आई जो है वो है रिकॉर्ड, अभिलेख जो है, बही खाता वगैरह ये सभी तैयार रखें, और जब मांगा जाए इंस्पेक्शन के लिए तो वह उन अधिकारी या सरकार जो भी मांगे उनके सामने उस रिकॉर्ड को पेश करें। ये दोनों एच और आई ये आवश्यक हैं, क्योंकि आगे चल के हम ये देखेंगे कि दो एच और दो आई अर्थात आंकड़े तैयार करना और रिकॉर्ड देना, इन दोनों का पालन ना करने की स्थिति में ये दोनों अपराध होंगे और इन अपराधों की सजा आगे दी हुई है, इसलिए दो एच और दो आई जरूर पढ़ लें। अब आते हैं धारा चार पर। धारा चार कहती है कर्तव्यों का अधिरोपण, अर्थात धारा तीन वाला जो आदेश अभी हमने पढ़ा, धारा तीन का क्या आदेश है कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, प्रदाय, वितरण, इन सब पर नियंत्रण करने की शक्ति। ठीक, तो इस आदेश के, ये आदेश जो है भाई क्या करेगा, सरकार, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आ जाएंगी, और इन केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को शक्ति देता है, ये धारा चार देती है इनको शक्ति देती है, साथ में इनको निर्देश भी जारी करते हैं और कर्तव्य भी अधिरोपित करते हैं कि भाई आपका ये कर्तव्य बनता है कि आम नागरिकों के लिए आपके राज्य क्षेत्र में आने वाले जो नागरिक हैं उस क्षेत्र में आप किसी भी आवश्यक वस्तु जो रोज़मर्रा के सामान है उसकी कमी ना आने दें या उनकी कीमतें अनिश्चित तौर पे ना बढ़ने दें। ठीक, यदि बढ़ती देखें तो आप उनके लिए कहते हैं एक शब्द येन केन प्रकारेण, अर्थात एनी हाउ किसी भी तरीके से आप उनको कंट्रोल में लाइए। तो ये करता है धारा चार। अब आते हैं धारा पाँच पर। तो अगला है धारा पाँच, ये कहता है शक्ति प्रत्यायोजन के बारे में बात करती है। शक्ति प्रत्यायोजन, जैसा मैंने पिछला पर्यावरण एक्ट में भी समझाया था उससे काफ़ी कुछ मैच कर रहा है ये एक्ट, ये आप पढ़ने में भी देख सकते हैं। तो शक्ति प्रत्यायोजन का अर्थ है अपनी शक्ति किसी को दे देना कि भाई फलाना व्यक्ति मेरी इन पावर का यूज़ कर सकता है मेरे बिहाव पर। तो इसमें शक्ति, मुख्य शक्ति, सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं। अब केंद्र सरकार अपनी शक्तियों को औरों को दे सकती है।
तो कौन सी शक्ति? धारा 3 का जो आदेश जारी करने की शक्ति, यानी उस पर नियंत्रण, फसलों पर नियंत्रण, जमीन पर नियंत्रण, लाइसेंस देना, परमिट जारी करना, ये सभी प्रकार के जो भी आवश्यक वस्तुओं को कंट्रोल में लेने, उनकी कीमतों को कंट्रोल में लेने के लिए आवश्यक है, उन सभी आदेश देने की शक्ति केंद्र सरकार राज्य को दे सकती है, अपने अधिकारियों को दे सकती है, यानी केंद्र सरकार के अधिकारियों को, और राज्य के अधिकारियों को भी प्रत्यायोजित कर सकती है, यानी दे सकती है कि भाई हमने अपनी पावर आपको दे दी, अब आपको किसी चीज़ में इस प्रकार का आदेश निकालना है, लाइसेंस जारी करना है, तो आप भी कर सकते हैं। जैसे कि ज़रूरी नहीं कि मध्य प्रदेश राज्य में जिस वस्तु की कमी हो उस वस्तु की कमी उत्तर प्रदेश राज्य में भी आपको मिले। हो सकता है मध्य प्रदेश में किसी दूसरी वस्तु की कमी है, उत्तर प्रदेश में किसी दूसरी वस्तु की कमी है। जैसे कि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो शिमला हाईकोर्ट है, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट है, उसने एक ऑर्डर जारी किया था कि पानी का जो इस्तेमाल है वह इस प्रकार से किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, एक सिस्टम के तहत ही किया जाएगा, और पर्यटकों के आने पर भी रोक लगा दी थी कुछ समय के लिए, क्योंकि वहाँ पर पानी की बड़ी भारी समस्या हो गई थी। तो हिमाचल प्रदेश की ये समस्या, हो सकता है वह समस्या गुजरात की ना हो, ठीक। तो अलग अलग राज्यों को ये पावर से एम्पावर्ड केंद्र सरकार कर सकती है कि आप अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की ज़रूरतों के अनुसार वस्तुओं को, आवश्यक वस्तु घोषित करें और उस अनुसार उन पर नियंत्रण लेने की आदेश आप जारी करें। अगला है अब धारा 6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धारा 6 कहती है कि धारा 3 का जो आदेश है वह अन्य सभी विधियों पर, सभी कानूनों पर अध्यारोही प्रभाव रखेगा, अर्थात ओवरराइड करेगा। तो ये कॉमन सी बात है, एक कॉमन सेंस वाली बात है, ये आप ध्यान रखें। जैसे पर्यावरण एक्ट है, ये आपका एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, या कई भी एक्ट हैं इस प्रकार के, ये विशेष कानून माने जाते हैं, और हर विशेष कानून जो है वह अन्य कानूनों पर, अन्य सामान्य कानूनों पर अध्यारोही प्रभाव रखता है। किस स्थिति में? कि मान लीजिए कि इस एक्ट के तहत कोई बात अपराध होती है, और मान लीजिए आईपीसी उसी बात को अपराध घोषित नहीं करती है, तो इस स्थिति में आईपीसी को न मानकर इस एक्ट के प्रावधान को माना जाएगा। इसको कहते हैं अध्यारोही प्रभाव होना। अब आते हैं अगले धारा 6A पर। तो धारा 6A अधिहरण के बारे में बात करती है, यानी किसी वस्तु को कब्जे में ले लेना। तो किन किन वस्तुओं को? आवश्यक वस्तु की बात हो रही है, तो आवश्यक वस्तुएं क्या है? खाद्यान्न है, सभी खाने पीने की चीज़ें, खाद्य तिलहन है और खाद्य तेल हैं, ठीक। खाद्य तेल मतलब सीधी सीधी बात ऑयल, जिसको तेल कहते हैं उसका यूज़, और तिलहन का मतलब होता है वे वस्तुएं जिनका तेल निकाला जा सके, या जिनका तेल निकाला जाता है उसको वस्तु रूप में जब देखेंगे तो उसको कहेंगे तिलहन। जैसे सोयाबीन या सोयाबीन की बरी होती है, इसको आप कहेंगे ये तिलहन है, और जब इसका तेल निकाल लिया जाएगा तो उसको कहेंगे ये सोया रिफाइंड ऑयल है, ठीक है, या सोया ऑयल है। दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो अधिहरण इन खाद्यान्न का, खाद्य तिलहन का, खाद्य तेल का किसके पास है इसकी पावर? तो कलेक्टर के पास है। तो क्या करेगा? इनका अधिहरण कर सकता है, इनके अधिहरण की रिपोर्ट अपने सामने मंगवा सकता है, और कलेक्टर इन सभी वस्तुओं का, जिन वस्तुओं का अधिग्रहण कर लिया गया, अर्थात कब्जे में लिया गया है, उनका निरीक्षण करने का आदेश दे सकता है कि भाई हमको इसका निरीक्षण करना है कि सच में इस प्रकार का कोई वस्तु कब्जे में ली गई है या नहीं ली गई है, या भाई अधिग्रहण योग्य है या नहीं है। उसके बाद भाई अधिग्रहण करने के बाद उसका अभिग्रहण करके उसकी नीलामी भी कर सकता है, तो या तो वो साधारण विक्रय कर सकता है या फिर उसकी नीलामी भी कर सकता है। तो नीलामी यदि करेगा तो क्या, कैसे करेगा? उसकी लोक नीलामी करेगा। किस स्थिति में? जब वह देखेगा कि ऐसी वस्तु शीघ्र क्षयशील है, यानी जल्दी वह सड़ सकती है, खराब हो सकती है। मान लीजिए आपने टमाटर कब्जे में ले लिए, तो टमाटर का ट्रक आप 2-3 दिन आप थाने में खड़े कर दीजिए, सिर्फ टमाटर सड़ जाएंगे, खराब हो जाएगा, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं बचेगा। तो इस स्थिति में कलेक्टर उस ट्रक को थाने से, या जो CTO अधिकारी होता है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वगैरह, उस संबंधित ऑफिसर से अपने पास मंगा कर, उसको बुलाकर, उसका निरीक्षण करके उसकी लोक नीलामी कर सकते हैं। ये उनके पास पावर होगी। और इस अधिग्रहण के आदेश के बदले में वह क्या करेगा? उस पर जैसे मान लीजिए कोई वस्तु जो है, जैसे टमाटर है, उसको कब्जे में लिया, अब उस वस्तु को जिस वाहन के द्वारा, जैसे किसी पशु के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा, ट्रक के द्वारा लाया ले जा सकता है, उसको भी कब्जे में ले सकते हैं। और उसको छुड़ाने के बदले में, यदि आप उस वाहन को छुड़ाना चाहते हैं, तो उसके बदले में आपको जुर्माना देना पड़ेगा।
जो कि उसकी आवश्यक वस्तु की बराबर, अगर वस्तु को आप छुड़ाना चाहते तो उसकी बाजार कीमत होगी, और यदि उस वाहन को छुड़ाना चाहते तो उसकी जो कीमत होगी उससे अधिक कीमत नहीं होगा, उसको जुर्माने की तरह वसूल किया जाएगा। जुर्माना देकर आप अपनी वस्तु छुड़ा सकते हैं। अब है धारा 6B। धारा 6B कहती है अधिहरण की पूर्व सूचना। तो यदि अधिहरण होगा, कब्जे में ली जाएगी आपकी वस्तु, तो उससे पहले आपको इसके बाबत सूचना दी जाएगी। किस प्रकार से दी जाएगी, तो किस आधार पर आपकी उस वस्तु को हम कब्जे में लेंगे, उन आधारों की लिखित सूचना आपको रिटर्न में दी जाएगी कि हम ये कारण है इसलिए हम आपकी ये वस्तु कब्जे में ले रहे हैं। जैसे कि दाल की कमी हो गई है इस पूरे क्षेत्र में और आप पर अतिरिक्त जो है 5 टन दाल मिल रही है, इसलिए हम उसको कब्जे में ले रहे हैं, ठीक, जनहित के आधार पर। दूसरा, फिर सामने वाले को जिसके ये वस्तु कब्जे ले रहे हैं उसको अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा कि आप को इस कब्जे के विरुद्ध आप आवेदन दे सकते हैं कि आखिर इसको कब्जे में क्यों ना लिया जाए। उस अभ्यावेदन करने के बाद आपको मामले में सुनवाई का भी अवसर दिया जाएगा, उसके पश्चात ही उस वस्तु को अधिग्रहण किया जाएगा या कब्जे में लिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है इसमें जिसको अभिग्रत किया जाना, जिस व्यक्ति से, उसे लिखित में सूचना देंगे और उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अब आते हैं अगली इम्पोर्टेंट धारा, धारा 6C। इसमें अपील के बारे में बात की गई है। तो अपील कितने टाइम में की जाएगी, तो अधिहरण के आदेश की अपील होगी 1 महीने के भीतर, ठीक। किस दिन से ये गिना जाएगा, जिस दिन आदेश दिया गया है, उस व्यक्ति को आदेश मिला है। किसके द्वारा अपील सुनी जाएगी, तो संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी को, यानी जहां वह ट्रक पकड़ा गया है, जिस राज्य में पकड़ा गया, उस राज्य सरकार ने जिस न्यायिक प्राधिकारी को इस बाबत नियुक्त किया है कि वो अपील सुने, तो उसके द्वारा अपील सुनी जाएगी। अब मान लीजिए अपील सुनी और अपील सुनने पर उसे सजा पूर्ववत रखी गई है, उसका अधिग्रहण पूर्ववत है, तो कोई बात नहीं भाई, तो कब्जे में ले ली जाएगी। लेकिन मान लीजिए कब्जे में वस्तु ले ली गई, अब वह व्यक्ति दोष मुक्त पाया जाता है अपील में, तो उसकी वस्तु उसको लौटा दी जाएगी। लेकिन वह वस्तु प्रकृतया क्षयशील है, अर्थात तुरंत नष्ट होने वाली वस्तु है, और इस बीच की उसकी अपील सुनी जाती, इस बीच में उस वस्तु को नष्ट होने के डर से जल्दी नीलाम कर दिया गया और व्यक्ति दोष मुक्त सिद्ध हो गया, बरी हो गया, उस पर कोई दोष सिद्धि नहीं हुई, तो इस स्थिति में अब क्या करेंगे, उसकी वस्तु तो गई, तो उस वस्तु को बेचने से, नीलामी से जो पैसा मिला है, उसमें से जो खर्चे हुए उस नीलामी को करने में, उस पूरी प्रक्रिया को करने में, उसके खर्चे काट के बाकी पूरी कीमत जो है उस व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। अगली धारा, धारा 6D, अधिहरण का निर्णय। तो इस एक्ट के अधीन अन्य दंड दिया जाना निवारित नहीं करेगा। देखिए बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली है कि मान लीजिए इस एक्ट में कुछ ऐसा प्रावधान है, आगे जो हम दंड में देखेंगे, ऐसा प्रावधान है जिसके तहत आपने कोई ऐसा काम किया है, ऐसा अपराध किया है, जिसके तहत आपको अन्य कोई दंड, जेल या जुर्माना आप पे अधिरोपित किया गया है, और उसको अधिरोपित जो आप पे दंड है, जेल है, मान लीजिए जेल भी हुई है और सरकार ने आपकी वो वस्तु भी अधिहरण कर ली है, अर्थात कब्जे में ले ली है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी वस्तु आपने कब्जे में ले ली, अब वो वस्तु मेरी बची नहीं, इसीलिए उस वस्तु को 2 नंबर में बेचना या ले जाने का जो अपराध के तहत मुझे जेल हुई है, अब आप मुझे जेल नहीं दे सकते, क्योंकि वस्तु तो मेरी है ही नहीं, वो वस्तु तो कलेक्टर साहब के पास है, तो मुझे तो दंड आप दे नहीं सकते, आपने दंड ऑलरेडी कब्जे के रूप में ले लिया, तो ऐसा नहीं है। कब्जे में उस वस्तु को लेने के अलावा यदि आप पर कोई दंड अधिरोपित होने की आप स्थिति में हैं, तो वह दंड भी दिया जाएगा, ये धारा यह कहती है। अगला है धारा 6E, ये अधिकारिता की बात करती है। ये धारा 3 के आदेश से यदि कोई आवश्यक वस्तु या उसको ले जाने में यूज कोई वस्तु, कोई वाहन है, जब इनको कब्जा कर लिया गया, इनके कब्जे से संबंधित आदेश जो है उसकी अधिकारिता या तो कलेक्टर को होगी, या धारा 6C में जो हमने अभी देखा था, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई न्यायिक अधिकारी है, बस इनको ही इसकी पावर होगी कि वह उस कब्जे में ली गई आवश्यक वस्तु को किस तरीके से लौटाएं, उस पर निर्णय दें, या उसमें यूज हुआ वो ट्रक वगैरह जो वाहन है उसको किस तरीके से लौटाना है या नहीं लौटाना है, इस पर आदेश देने की पावर सिर्फ कलेक्टर या न्यायिक अधिकारी को होगी जिसको प्राधिकृत किया गया। इसके अलावा कोई कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल, कोई प्राधिकारी, कोई अधिकरण नहीं इस पर आदेश दे सकता। धारा 7 ये बताती है दंड के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। धारा 7 कहती है शास्ति या दंड।
देखिए इसमें जो दंड है, मैंने बताया था आपको पिछली धारा में, आपको ध्यान हो आप देख लीजिए बैक करके, कि धारा 3 की उपधारा 2, उपधारा 2 के खंड एच और आई, तो एच और आई के यदि आप आदेश की अवज्ञा करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो उस दशा में आपकी सजा होगी 1 साल और जुर्माना। तो एच और आई में क्या क्या दिया है आपको रिवाइज करा दूं। धारा 2 एच में दिया हुआ है कि आपको उस उद्योग से संबंधित जानकारी और आंकड़े अपने पास रखने होंगे और मांगे जाने पर पेश करने होंगे, और आई में दिया हुआ है उसके उस उद्योग से संबंधित बही खाता अभिलेख रिकॉर्ड वगैरह भी रखने होंगे और मांगे जाने पर, निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर पेश करने होंगे। ये दोनों स्थिति के अपराध, इन दोनों का आदेश पालन ना करने की स्थिति में 1 साल और जुर्माना। इसके बाद धारा 3 के उपधारा 2 के एच और आई को छोड़कर अन्य जो अपराध हैं, अन्य खंड का आदेश ना मानने की दशा में 3 साल कम से कम सजा से लेकर 7 साल तक की सजा, सॉरी 3 महीने, माफ कीजिए, 3 महीना कम से कम सजा से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना। तीसरा इसमें दंड है वह है धारा 3 के उपधारा 4 का खंड बी, जो कि ये कहता है कि कोई ऐसा उपक्रम या यूनिट या फैक्ट्री, ठीक है, जिसको केंद्र सरकार को लगता है इसे नियंत्रण में लेना जरूरी है, और वह नियंत्रण में ना लेके उसके ऑनर को ही कहती है कि आप इसको, ये यूनिट को, इसकी फैक्ट्री को इस तरीके से चलाएं जैसे हम निर्देश दे रहे हैं, तो वह उस उपक्रम को उसी केंद्र सरकार के उस आदेश के तहत ही चलाएगा। अब मान लीजिए वह उस उपक्रम को उस आदेश के अनुसार नहीं चलाता है, तो उस स्थिति में यह सजा दी जाएगी जो यहाँ पर लिखी है, जो कि 3 महीने से लेकर 7 साल तक की हो सकती है और जुर्माना होगा। इसके बाद आगे दिया हुआ धारा 7 के 2A में दिया है, ठीक है, 2A में क्या दिया है कि यदि इस प्रकार की जो आपने अपराध किया है उसको यदि आप पुनः सिद्ध दोष पाए जाते, बार बार पश्चातवर्ती किए जाते, तो हर बार आपको सजा जो मिलेगी कम से कम 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना आप पर अधिरोपित किया जाएगा। बात करते हैं धारा 7A पर। तो 7A रकम की वसूली जो आपसे की जाएगी भाई केंद्र सरकार करेगी, कितने परसेंट होगा ये इंपॉर्टेंट है, 15% पर एनम, अर्थात 15% प्रतिवर्ष की दर से और साधारण ब्याज के रूप में वसूली होगी। और किस तरीके से होगी, भू राजस्व के बकाया के रूप में, मानो इस प्रकार से, मानो आप पर भू राजस्व बकाया हो। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी कोर्ट इस वसूली पर रोक का कोई आदेश या स्टे ऑर्डर नहीं दे सकता। अगला धारा 8, उल्लंघन जो आदेश हुआ है, धारा 3 वाला जो आदेश हुआ है, उस उल्लंघन का प्रयत्न करेंगे या दुष्प्रेरण करेंगे, तो उस प्रयत्न या दुष्प्रेरण को उस आदेश का उल्लंघन ही माना जाएगा, यानी उतनी ही सजा मिलेगी प्रयत्न या दुष्प्रेरण पर जितने की आप पूरी तरह उल्लंघन करते उतने पर मिलती। इसके बाद आते अगला धारा 9, धारा 9 कहती है मिथ्या कथन। तो मिथ्या कथन का अर्थ है कि मान लीजिए धारा 3 के आदेश द्वारा आपसे कोई जानकारी मांगी गई है, और आपने कोई गलत जानकारी या गलत प्रविष्टि कर दी, गलत रिकॉर्ड आपने दिखा दिए हैं, जो अक्सर लोग कर देते हैं कि आपके 5 टन आपके गोदाम में रखे, आपने 2 टन दिखाया खाली, तो यदि आप पकड़े गए इस चीज़ में तो आपको सजा होगी 5 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 10, कंपनियों द्वारा अपराध, जैसा हमने पर्यावरण एक्ट में भी पढ़ा था, हर जगह ये होता है कंपनी द्वारा अपराध की स्थिति में कंपनी के कारोबार के लिए जो इंचार्ज व्यक्ति होगा या रिस्पॉन्सिबल जो होगा, उत्तरदायी व्यक्ति होगा, वह उसके लिए दोषी सिद्ध होगा और साथ में कंपनी भी दोषी होगी। धारा 10A ये इम्पोर्टेंट है, इसके तहत इस एक्ट के द्वारा किए गए अपराध संज्ञेय होंगे, ठीक, भले ही CRPC में संज्ञेय के लिए कुछ भी लिखा हो, लेकिन इस एक्ट के अपराध संज्ञेय ही माने जाएंगे। धारा 10B ये कहती है सिद्ध दोष जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के नाम और उनका स्थान वह कब मौजूद है, इसके अलावा उन्होंने किस प्रकार का अपराध किया है, उनको क्या क्या सजा मिली, ये सभी छपवाने की शक्ति किसको होती है, तो कोर्ट को होती है। भाई इस बात छपवा सकता है, लेकिन कब छपवाएगा, जब सिद्ध दोष करने के ऑर्डर की अपील का टाइम निकल जाए और अपील नहीं की, या अपील कर दिए तो अपील का निपटारा हो जाए उसके बाद भाई पेपर वगैरह में छपवा सकता है इस बाबत। और जो छपवाएगा उसका जो खर्चा आएगा वह कंपनी के खर्चे पे, कंपनी से उस खर्चे की वसूली होगी, और वसूली उस प्रकार होगी मानो कोर्ट ने उस पर जुर्माना लगाया हो। अब आते हैं आगे धारा 10C, इसमें उपधारणा प्रजम्पशन के बारे में बात है कि कोर्ट ये मान के चलेगा कि यदि आप आपराधिक रूप से पकड़े गए हैं, इसका मतलब आपकी आपराधिक मना स्थिति थी, क्रिमिनल मेंस रिया आपका था, यानी आपका इरादा था उस अपराध को करने का। यदि मान लीजिए कि आपका आपको ये कहना है कि मेरा ये इरादा नहीं था, ठीक, तो इस बात को साबित करने का भार भी आप पर ही होगा, ये आगे हम देखेंगे।
इसमें महत्वपूर्ण बात ये है, इस चीज़ को ज़रा देख लें, ये पेपर में तो शायद ना आए लेकिन इससे संबंधित कभी केस वगैरह आपको देखने को मिले या जजमेंट पढ़ें तो उसमें काफ़ी काम आएगा भाई। ये है कि इस एक्ट के अधीन यदि कोई केस पर निर्णय कोई जज देता है, मजिस्ट्रेट देता है, तो उसमें किसी तथ्य को साबित हुआ कब माना जाएगा, जब वह तथ्य युक्ति युक्त संदेह से परे साबित हो। उसमें कोई भी संदेह नहीं बाकी रहना चाहिए। इस आधार पर नहीं दे सकता कि आपको सिर्फ अत्यधिक संभावना मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार का ये अपराध किया है, इस आधार पर आप उसे सजा नहीं दे सकते। आपको सजा देनी है तो आदेश में बताना पड़ेगा कि इसका अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं बचता। अगला धारा 11, ये अपराध के संज्ञान की बात करती है। तो इस अपराध का संज्ञान जो है कोर्ट लेगा वो लिखित रिपोर्ट पर लेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लिखित रिपोर्ट पर लेगा। लिखित रिपोर्ट कौन कौन, किस किस की लिखित रिपोर्ट पर, तो जिनको हम लोक सेवक कहते हैं IPC की धारा 21 के तहत, उन लोक सेवक द्वारा जब लिखित रिपोर्ट लिखाई जाएगी तो उस लिखित रिपोर्ट पर संज्ञान। इसके अलावा कोई व्यथित व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है उस चीज़ से, आवश्यक वस्तु की कमी से, तो उसके द्वारा लिखित रिपोर्ट, या कोई उपभोक्ता संगम द्वारा, कोई कंज्यूमर का कोई कंपनी है, कोई समूह है, उसके द्वारा भी रिपोर्ट लिखाई जाएगी, तब इस अपराध का संज्ञान लिया जाएगा। धारा 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात करती है जुर्माने के बारे में, कि जुर्माना जो है, जो कि धारा 3 के आदेश के उल्लंघन में जुर्माना निरूपित किया गया है, उसमें इसमें 5,000 रुपये से अधिक का जो जुर्माना होगा वो सारे जुर्माने JMFC अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी जो न्यायिक अधिकारी है उसके द्वारा उसका आदेश दिया जाएगा, या फिर MM यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो महानगर होने की स्थिति में महानगर मजिस्ट्रेट और अन्य स्थिति में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा उसका आदेश दिया जाएगा। इसमें ध्यान रखें कि CRPC जब आप पढ़ेंगे धारा 29, उसमें अलग एक आपका इसको बोलते हैं वित्तीय अधिकारिता कहते हैं, उसमें अलग उसके लेवल दिए होंगे, स्टैंडर्ड दिए होंगे कि आपको जैसे कि इतने लिमिट है, 3,000 तक का कोई एक जज देगा, 5,000 तक का कोई दूसरा जज देगा। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि CRPC की धारा 29 के प्रावधान में भले ही कुछ भी लिखा हो लेकिन इस एक्ट के तहत 5,000 रुपये से अधिक के जुर्माने का आदेश JMFC ही देगा। इसके बाद धारा 12A कहती है संक्षिप्त विचारण होगा इसमें, ठीक है, समरी ट्रायल होगा, केंद्र सरकार इस बाबत अधिसूचना जारी करेगी और राज्य द्वारा सशक्त किया गया JMFC या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसमें दोष सिद्धि कर सकता है और संक्षिप्त विचारण में दोष सिद्धि 1 साल तक की वो सजा सुना सकता है। इसमें अपील जो होगी 1 महीने तक की सजा और 2,000 रुपये तक का जुर्माने वाली यदि सजा आपको दी गई है तो इस स्थिति में अपील नहीं होगी, ठीक है, इस सजा के दंड की अपील नहीं होगी और इससे अधिक का यदि दंड दिया गया तो ही अपील आप कर सकते हैं। इसके बाद धारा 12B व्यादेश, तो स्टे ऑर्डर लगता है व्यादेश, सिविल कोर्ट को इस से संबंधित कोई आदेश है, धारा 3 से संबंधित कोई भी आदेश है उस पर व्यादेश जारी करने की सिविल कोर्ट को कोई पावर भी नहीं होगी, वह व्यादेश जारी नहीं कर सकता। और यदि मान लीजिए, देखिए वो जो कीमत है, जो जुर्माना के रूप में कीमत वसूली, उस पर कोई व्यादेश जारी नहीं होगा, स्टे नहीं होगा, लेकिन उस कीमत को वसूलने से पहले, वो कीमत क्यों वसूली जा रही है, उसके लिए जो आदेश जारी हुआ है उस आदेश के लिए व्यादेश जारी कर सकता है, या अनुतोष कोई मांगे तो उसके लिए कर सकता है, लेकिन उस व्याधि से अनुतोष का आवेदन की सूचना पहले उस संबंधित अधिकारी या सरकार को दी जाएगी जिसने वह आदेश निकाला है। इसके बाद धारा 13 यह आदेश की उपधारणा करती है, ठीक, तो आदेश की ये उपधारणा मानी जाएगी कि यदि उस आदेश में जो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार या उनके अधिकारियों ने जारी किया है, यदि उस पर नीचे उनके सील हैं, साइन है, तो कोटे मार के चलेगा कि हाँ ये आदेश उनके द्वारा ही जारी किया गया है, उसको वह प्रश्नगत नहीं करेगी, उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। इसके बाद धारा 14 कहती है सबूत का भार, देखिए जो पहले अभी कुछ धारा पहले मैंने बात की थी, तो सबूत का भार ये अभियुक्त पर होगा, जो पकड़ा गया है उसी को साबित करना पड़ेगा कि साहब ये अपराध मैंने नहीं किया, ये आपराधिक मनस्थिति मेरी नहीं थी। इसके बाद धारा 15 सीधी सी बात है, सभी एक्ट में आपको मिलेगा कॉमन सी चीज़ें, सद्भावपूर्वक संरक्षण, यदि आपने कोई काम किया गुड फेथ में किया है, किसी लोक सेवक ने या कोई सामान्य व्यक्ति ने किसी चीज़ को पकड़वाने में सद्भावपूर्वक गुड फेथ में यदि काम किया है तो आपके खिलाफ कोई भी बात अभियोजन या कार्यवाही नहीं की जाएगी। धारा 15A ये कहती है लोक सेवकों का अभियोजन
अगर किसी लोक सेवक को उसके जो काम है, उसकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी में किए गए काम के लिए अभियोजित किया जाता है, उस पर प्रोसिक्यूट किया जाता है, कोई बात लगाया जाता है, तो उसके लिए पहले उसका जो नियोक्ता होगा, उसको नौकरी देने वाला व्यक्ति, जैसे यदि केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो केंद्र सरकार की पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, और राज्य सरकार का कर्मचारी है तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही उस पर कोई अभियोजन चलाया जा सकता है। और इसके बाद धारा 16 कोई खास नहीं, उसमें निरसन बात की गई रिपील कि इस एक्ट को बनाने के लिए इससे पहले किन चीज़ों को रिपील किया गया है, तो इससे पहले इसी एक्ट का जो ऑर्डिनेंस था, अध्यादेश था, उसको निरसित करके इस एक्ट को बनाया गया। अनुसूची देख लीजिए, इनमें से एकाध क्वेश्चन कम से कम बनता है। तो धारा 2A हमने जो पढ़ी थी कि 2A के तहत केंद्र सरकार ये घोषणा कर सकती है कि किन किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तु माना जाए, तो इस बात की घोषणा के लिए वह केंद्र सरकार अभी एक कॉमन जो वस्तुएं हैं उनमें कौन कौन सी आवश्यक वस्तु हैं, इनके तहत वह किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है। तो वे हैं 7 प्रकार की, कोई भी औषधि को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है, उर्वरक है, कोई भी उर्वरक अकार्बनिक या कार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक प्रकृति का हो सकता है, या फिर मिश्रित प्रकृति का भी हो सकता है, कोई भी फर्टिलाइजर है। इसके अलावा खाद्य पदार्थ है, इसमें खाद्य कोई तिलहन या तेल भी आ सकता है, तिलहन और तेल का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, मैंने समझा दिया आपको। इसके बाद कपास से पूर्णतः बना हुआ अट्टू सूत, जो कच्चा सूत वगैरह होता है, जो कपास से बनता है, यानी कपास, कपास के पौधे, उससे निकला हुआ जो वाइट कलर का जो पूरा पदार्थ होता है, उससे बना हुआ जो सूत यानी धागा है, वे सभी। इसके बाद पेट्रोलियम और इसके उत्पाद, यानी पेट्रोलियम जो कच्चा होता है, क्रूड ऑयल बोलते हैं भाई, या फिर पेट्रोल, डीजल, या इनसे ज़्यादा मोम भी बनाया जाता है, CNG भी है, ये सभी, ठीक है, प्राकृतिक गैस वगैरह सब। इसके अलावा कच्चा जूट, जूट की टेक्सटाइल वगैरह जो है, ये सभी। इसके अलावा बीज, अब बीज में क्या क्या आ जाएंगे, तो खाद्य फसलों के बीज, किसी प्रकार के फलों के बीज हो सकते हैं, वनस्पतियों के बीज हो सकते हैं, या फिर पशु चारों के बीज हो सकते हैं, उनका चारे से संबंधित भूसा वगैरह किसी चीज़ के बीज है, या फिर जूट के बीज हैं, या फिर कपास के भी बीज हैं। तो इन सभी बीजों को भी इस धारा 2 के पर्पज़ के लिए आवश्यक वस्तु की लिस्ट में इन्होंने डाल दिया है, कि अब इसमें सभी प्रकार के बीज डाल दिए हैं। अब इसके तहत जब नोटिफिकेशन केंद्र सरकार निकालेगी, तो वह इस प्रावधान का यूज़ करते हुए, अपने को शक्ति देते हुए, इनमें से किसी भी प्रकार की जिस बीज की ज़रूरत होगी, जिसकी कमी होगी, उसको आवश्यक वस्तु घोषित करके उसको अपने हाथों में उसका नियंत्रण ले लेगी। एक लिस्ट जरूर आप बना लीजिएगा, जिसमें एक तरफ आप लिखिएगा इस एक्ट के तहत दंड वाली जो धारा है वह, और एक तरफ लिखिएगा वह दंड किस अपराध या किस धारा के अपराध के लिए किया जा रहा है। ठीक, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें। तो ये धारा जो है, वैसे इसमें लिखा हुआ है पहले से, उसको मैंने सिर्फ एक कॉन्साइज कर दिया है। तो धारा जो है दंड वाली, वो है धारा 7(1)(a), उसका फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, धारा 7(1)(a) फर्स्ट और सेकेंड। धारा 7(1)(a) का फर्स्ट के तहत दंड कब दिया जाएगा, जब अपराध आपने 2H और 2I के तहत किया हो, और सेकंड के तहत दंड दिया जाएगा जब आपने उस धारा 2 के अन्य उपधारा अन्य खंडों के तहत किया हो। इसके बाद दंड दिया जाएगा धारा 7 के उपधारा 2, 7(2) के तहत, कब, जब आपने अपराध किया धारा 3 के उपधारा 4 के खंड B, यानी 3(4)(b) के तहत, वो जो उपक्रम वाला था वह वाला। इसके बाद धारा 7(2)(a) के तहत दंड दिया जाएगा यदि आपने अपराध किया है 2(i) वाला, या धारा 3(4)(b) वाला जो रिकॉर्ड और उपक्रम वाला, उसकी पुनरावृत्ति की, उस स्थिति में 7(2)(a) के तहत दंड दे। धारा 7(a) के तहत दंड है जब आपने धारा 3 के आदेश में रकम देने में व्यतिक्रम किया हो। धारा 8 में जो दंड मिलेगा, कब, जब आपने धारा 3 के जो आदेश है उसके उल्लंघन का प्रयत्न या दुष्प्रेरण हो। तो 8 में कब, जब प्रयत्न या दुष्प्रेरण हो। धारा 9 का दंड कब मिलेगा, जब आपने गलत जानकारी दी हो, मिथ्या वाला। और धारा 10 के तहत दंड कब मिलेगा, जब आप ये जो धारा 3 वाला जो आदेश है उसका उल्लंघन का अपराध कंपनी द्वारा किया जाए। 10 वाला हो गया कंपनी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, इसके लिए आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।